नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपके साथ एक और केस स्टडी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मेरे को गुड़गांव के अंदर एक सैलून की विज़िट करने का मौका मिला। मैं अभी विज़िट करके आया हूँ। वहाँ पर जो उन्होंने सैलून बनाया हुआ वो एक कमर्शियल मॉल के अंदर बनाया हुआ है। आपको लगता है कि मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी सही है, तो आप अपने यहाँ भी छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं उनके यहाँ साइट विजिट पर गया तो उन्होंने कहा, बंसल जी, हमारे यहाँ जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था वो जब बंद होता था, बंद होने के बावजूद भी हमारे पास कस्टमर होता था, हमारी शॉप रेगुलर खुली रहती थी, लंबे समय तक, लेट नाइट तक खुली रहती थी, इतना काम था। काम बहुत बढ़िया होने के बाद हमने अपने वहाँ पर अपने सैलून के अंदर कुछ बदलाव किए। बदलाव का मतलब रेनोवेट किया। जब से हमने इसको रेनोवेट किया, अपडेट किया, तब से हमारा काम स्लो होता चला गया और आज हालत ऐसी है कि हमारे इसके खर्चे भी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहे। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि उनके यहाँ क्या क्या कमियाँ थी, पहले कैसा बना हुआ था और उन्होंने फिर बाद में क्या क्या चेंज किए हैं जिसकी वजह से उनको दिक्कत आई। उनका जो सैलून था वो ईस्ट फेस, ईस्ट फेस, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। जब इनका अपना ये सैलून था, सैलून में जो उनकी वर्किंग थी, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन और जो हमारी पलकें होती हैं इनकी एक्सटेंशन का मेन काम था। काम बहुत बढ़िया था। जैसे रेनोवेट किया, जैसे अपडेट करने की कोशिश की, तो इनका काम धीरे धीरे करके स्लो हो गया और इनकी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, मॉल के अंदर जो शॉप है वो ईस्ट फेस है। सबसे पहले तो इनके यहाँ फ्रंट में कंप्लीट ओपन एरिया था, यानी इन्होंने अपने यहाँ पर कोई भी ग्लास फिक्स नहीं कर रखा था। इन्होंने अपने यहाँ पर ग्लास लगाया। ग्लास लगाने के बाद साउथ ईस्ट से, ईस्ट जोन से इन्होंने एंट्रेंस बनाई। ये एंट्रेंस एज पर वास्तु गलत हो गई। मिरर इनके स्टार्टिंग से ही साउथ वॉल पर लगे हुए, दो मिरर इन्होंने साउथ वॉल पर लगाए हुए, यहाँ पर दो अपनी सीटिंग कस्टमर के लिए बनाई हुई है। उसके बाद साउथ जोन में ही, साउथ साउथ वेस्ट में इन्होंने अपने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। बैक साइड में साउथ वेस्ट कॉर्नर पर इनका इलेक्ट्रिक पैनल है और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में इन्होंने एक अपना हल्का सा स्टोर बना रखा है। यहाँ पर इन्होंने अपने दो बेड लगा रखे हैं। इस कॉर्नर में इन्होंने अपना एक कैबिनेट लगा रखी है जिसके अंदर ये अपना सामान रखते हैं और यहाँ पर नेल एक्सटेंशन के लिए इन्होंने लेकलाइनर लगा रखे हैं। लगभग 5 लेकलाइनर इन्होंने लगाए हुए हैं। इन्होंने जो अपना काउंटर बना रखा है वो काउंटर इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अपना काउंटर बनाया हुआ है। यहाँ पर आप बैठते हैं और फेसिंग करते हैं साउथ की ओर। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वॉल पर मंदिर लगाया हुआ है। इस प्रकार से इनका आज अपना सेटअप है। इन्होंने अपने यहाँ क्या क्या बदलाव किए। सबसे पहले तो इन्होंने अपने यहाँ पर फिक्स ग्लास लगाया और एंट्रेंस साउथ ईस्ट से किए। सेकंड जो बदलाव किए इन्होंने, अपने यहाँ साउथ वॉल पर कलर चेंज किया। यहाँ पर इन्होंने कौन सा कलर किया, ग्रे कलर किया। पहले यहाँ पर डार्क पिंक कलर होता था। वेस्ट वॉल इनकी कंप्लीट वाइट कलर की थी, अब इन्होंने इस पर बेबी पिंक कलर किया। नॉर्थ वॉल पर इन्होंने कंप्लीट वॉलपेपर लगाया हुआ है। वॉलपेपर
ऑफ वाइट कलर का था, समय के अनुसार उसका कलर फेड हो गया। कलर फेड होने के बाद जो कलर की टोन आ रही थी, जैसे मैंने देखा तो वो कलर की टोन हल्की सी पिंकिश टोन पे बन गई, जो कि एज पर वास्तु ये भी गलत हो गया। मिरर जो इनके लगे हुए थे वो स्टार्टिंग से ही साउथ वॉल पर लगे हुए थे। अब मैंने इनको जो सलाह दी एज पर वास्तु कि आप अपने यहाँ पर क्या क्या चेंज करें, सबसे पहले तो इन्होंने जो वेस्ट वॉल पर बेबी पिंक कलर किया, वाइट कलर हटा के, उसकी वजह से काम में दिक्कत आई। उसके बाद जो इनके यहाँ साउथ में डार्क पिंक कलर था उसको ग्रे कलर कर दिया, ये भी वास्तु दोष बन गया। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने एंट्रेंस साउथ ईस्ट से कर दी, ये भी वास्तु दोष बन गया। अब मैंने उन्हें वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या क्या सलाह दी। सबसे पहले तो जो वेस्ट वॉल है यहाँ पर जो पिंक कलर किया हुआ है इसको वापस से वाइट कलर करना है, जो इन्होंने साउथ वॉल पर ग्रे कलर किया हुआ है इसको वापस से बेबी पिंक कलर करना है, जो नॉर्थ वॉल पर इनका वॉलपेपर लगा हुआ है जो कि हल्का सा पिंकिश टच में आ गया और रफ हो गया, तो मैंने इस वॉलपेपर को हटाने के लिए कहा है, और यहाँ पर लाइट ब्लू कलर, आसमानी ब्लू कलर का पेंट करने के लिए या वॉलपेपर लगाने के लिए सलाह दी। इन्होंने अपने यहाँ सीटिंग के ऊपर एक झूमर भी लगाया है, ये झूमर यहाँ से हटाने के लिए कहा है कि इस झूमर को यहाँ से हटाकर साउथ ईस्ट जोन में यहाँ पर लगाएं। जो एंट्रेंस साउथ ईस्ट कॉर्नर से कर रखी है ये एंट्रेंस यहाँ से हटा के ईस्ट सेंटर से या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से यहाँ से करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर। जब एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में करते हैं तो आपने अपना काउंटर यहाँ से हटा के साउथ ईस्ट में यहाँ पर बनाना है। अगर आप सेंटर से रास्ता रखते हैं तो आपका काउंटर यहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ साउथ ईस्ट में दो हाई बैक की चेयर रखी हुई है जो कि पिंक कलर की है, ये चेयर यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनके यहाँ काम आने का खास बात एक और थी कि इन्होंने अपने यहाँ साउथ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक ये इतना हिस्सा फ्लोर के लेवल में कम से कम 6 इंच ऊंचा किया हुआ था, जो कि एज पर वास्तु बहुत ही अच्छा है। इन्होंने अपने यहाँ पर शैम्पू स्टेशन यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि ये शैम्पू स्टेशन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। जो इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपका अपना कोई सैलून है अच्छा नहीं चल रहा है तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें, और मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और आप अपनी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट के मैप भेज कर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से अपनी साइट का मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विज़िट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विज़िट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितने भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मैंने अपने YouTube चैनल पर 450 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।